आपके साथ। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस ने 16 जुलाई को 500 पन्नों की चार्जशीट दिल्ली हाई कोर्ट में पेश की थी। 7 अगस्त को इसकी डिटेल सामने आई। चार्जशीट में पुलिस ने लिखा, विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को 7-8 थप्पड़ मारे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चार्जशीट में लिखा है कि घटना के बाद विभव कुमार सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ ही थे। एपी नेता संजय सिंह और आतिशी ने शुरुआत में माना था कि स्वाति के साथ गलत व्यवहार हुआ, बाद में वे अपने बयान से पलट गए थे। पुलिस ने आरोप लगाया कि सीएम हाउस में क्राइम सीन के आसपास लगे सीसीटीवी के डीवीआर जब्त किए जाने से पहले कुछ फुटेज मीडिया में लीक किए गए थे। पुलिस ने कहा कि सीएम का वहां मौजूद होना, एपी नेताओं का बयान बदलना और सीसीटीवी लीक होना, ये सब बड़ी साजिश का संदेह पैदा करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस जांच करेगी कि 72 घंटों में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण संजय सिंह और आतिशी ने अपना बयान बदला। उन्होंने किस व्यक्ति के साथ चर्चा करने के बाद अपना बयान बदला है। 13 मई को हुई घटना के एक दिन बाद 14 मई को संजय सिंह ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके बाद आतिशी ने 17 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल के आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि विभव ने सीएम हाउस में स्वाति के साथ कोई मारपीट नहीं की थी। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में बताया कि घटना के बाद स्वाति एक ऑटो में अपने घर लौटी थी। ऑटो ड्राइवर से भी पूछताछ की गई है। उसने बताया कि मालीवाल रो रही थी और किसी को कॉल पर बता रही थी कि उनके साथ मारपीट हुई है। इसके अलावा सीएम हाउस के सुरक्षा कर्मचारियों से भी दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की थी। उन्होंने बताया था कि जब मालीवाल एंट्री गेट की ओर पैदल जा रही थी तब वह बहुत परेशान थी और रो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।